नमस्कार, आज दिखाना जा रहा हूँ कि कैसे मुर्गियों के बच्चे निकल रहे अंडे से बिना करंट या कोई भी मशीन इस्तेमाल ना किए हुए। ये जो मुर्गियों के बच्चे देख रहे बिना करंट से निकले हुए हैं। अब भी ये कर सकते हैं। घर में सारे जानकारी आपको इसी वीडियो में दे देंगे किस तरह से इसको किया जा सकता है। देख रहे आप मुर्गियों के बच्चे निकल गए हैं जी। चलिए उसी को बना के दिखाते हैं आप लोगों को। इस तरह के एक बक्से की ज़रूरत होगा। मैंने इसको बनाया है थर्मोकोल से जो मछलियों में आते हैं। सेलो टेप से पूरा पेस्ट कर दिया गया है इसको। अभी आप लोगों को चाहिए एक कार्टून और दो बांस के टुकड़े। मिट्टी के दिए चाहिए आप लोगों को तीन। और ये जो झलने हैं इसको बॉर्डर के हिसाब से मैं इस्तेमाल करूँगा। एक टाइल्स की टुकड़े की भी ज़रूरत है जो मैं इसको इस तरह से डालूँगा और इसके ऊपर मैं बत्तियों को रखूँगा, क्योंकि इसमें से जो गर्म राख निकलेंगे वो टाइल्स पर ही गिरे। अभी इस जलने को बॉर्डर के हिसाब से रखेंगे इन बत्तियों में, बच्चे निकलने के बाद आग में ना लगे। इन दियों को इसी तरह से जलते हुए रखना पड़ेगा 21 दिन तक, बच्चे जब तक ना निकले। अभी इसको दिखाने जा रहा हूँ कि कार्टून को कैसे बिठाया जा सकता है। आपको दो बांस की टुकड़े हुए ज़रूरत होगा, उसको इसी तरह से डालना होगा। मैंने एक डाल दिया और दूसरे भी डालने जा रहा हूँ। डालने के बाद आपको जो कार्टून दिखाया था ये कार्टून को बिछाना होगा। इस तरह से आपको ऊपर बिठाना होगा। इसके नीचे जो मैंने बांस के टुकड़े रखे थे वो गैप्स क्रिएट करने के लिए, जहां से हवा अंदर जाएगा और धुआं भी निकलेगा इस तरह से इसी गैप से। और साथ में आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ एक रिले इस्तेमाल करके अंदर की जो तापमात्रा कितने हो रहे हैं। आपको जस्ट इसको दिखाकर बताना चाह रहा हूँ कि तीन दियो से कितने टेम्परेचर निकल रही है। देखिए 37.7 निकल गए, मतलब इसमें से आपका अंडे से बच्चा निकल आएगा। इसी टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा आपको। आप लोगों को ये मशीन इस्तेमाल नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ टेम्परेचर दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ तीन बत्तियों से कितना निकलते हैं। अभी इसको ऑफ कर देते हैं। ये पूरी तरह तैयार हो गया है। अभी कपड़े भी डाल दिया मैं, जैसे कि मैंने दिखाया था उसी तरह से आपको दिए भी जलाना होगा और एक पानी के कतरे भी रखना होगा ह्यूमिडिटी के लिए। अभी हम लोग अंडे डालते हैं इसमें। इसी तरह से आप लोगों को 21 दिन रखना होगा। इधर दिए को पूरे जलते हुए रखना होगा। इन तीन दियों में से ही मिट्टी के जो दिए हैं उसमें से जो टेम्परेचर क्रिएट होगा उसी में से अंदर से मुर्गा के बच्चे निकल जाएगा। अभी ढकना लगा देता हूँ, कार्टून की ढकनी जो मैंने आप लोगों को दिखाया था। इस तरह से ढकते हुए रखना होगा आप लोगों को। अभी ये बीच में से आपका वो जो धुआं निकलेंगे और बाहर का एयर अंदर जाएंगे, इसी तरह से रखना होगा। आप लोगों को साथ में ये भी बता देता हूँ कि 4 घंटे के अंदर इन अंडे को पलटना भी होगा। दिन में 6 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे में 4 बार इसी तरह से आपको अंडे को पलटना भी होगा, ताकि हर तरफ
उसका इनक्यूबेशन हो, इनक्यूबेटिंग हो। पूरा टेम्परेचर आ रहा है। 20 दिन के बाद आपको दिखाएंगे कि अंडे फूट रहे हैं अभी। ये देखिए, आप अंडे को देख सकते हैं कि फूट रहे हैं अभी। इसमें पूरे बच्चे आ गया। कुछ घंटे के बाद ये अंडे से भी मुर्गी के बच्चे निकल आएंगे। और इसी तरह से और एक अंडे फूट रहा है, दिख रहे हैं आप लोगों को। इसमें भी बच्चे की जान आ गया है। थोड़ी देर बाद वो अंडे से निकल आएंगे। जी देखिए, अंडे से पूरी तरह से निकल गए हैं मुर्गियों के बच्चा। आपको दिखा रहा हूँ जी, पूरा नया बच्चा है, ताज़ा तंदुरुस्त। इसी तरह से दूसरे अंडे भी निकल जाएंगे थोड़ी देर बाद। और साथ में बताना चाह रहा हूँ, आप भी घर में इस तरह से, जिस तरह की भी सीरिया की अंडे हो, आप उसके बच्चे इसी सिस्टम की तरह से निकल सकते हैं, बिना करंट और कोई भी इक्विपमेंट, मतलब मशीन, आप घर में ही निकल सकते हैं तंदुरुस्त बच्चे पूरे। जी, इसी को दिखा के मैं अभी इस वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।